हेलो दोस्तों, मैंने अमेज़ोन से एक किचन ऑर्डर किया था। बहुत सुंदर किचन था पर वो डिलीवर नहीं हुआ और उन्होंने मुझे रिफ़ंड दे दिया। फिर भी मुझे वो ऑर्डर चाहिए था, तो मुझे अचानक से एक मैसेज आया कि वो ऑर्डर डिलीवर होने वाला है। तो मुझे लगा कि वही किचन जो मैंने ऑर्डर किया था वो आ रहा है, सेम रेफरेंस आईडी था उसका। पर जब मैंने खोला तो ये आइटम निकला उसमें। अभी ये आइटम तो मेरे कुछ भी काम का नहीं था। आप देख सकती हो ये बीड्स है, उन्होंने ये बीड्स भेजे हैं, और मेरा जो प्रोडक्ट था किचन का वो तो उन्होंने रिफ़ंड भी कर दिया है, पर ये मुझे ऐसा फ्रीली उन्होंने उसी ऑर्डर नंबर पे भेज दिया है। तो इसके अलग अलग कलर्स है, आप देख सकते हो बहुत अलग अलग कलर है। और ये जो बीड्स हैं, ये जो बीड्स हैं, इसको होल नहीं है इन बीड्स को। तो अब जब बीड्स को होल नहीं होता है तो मुश्किल जाता है कुछ आपको बनाना हो आर्ट एंड क्राफ्ट का। तो एक आइडिया मेरे पास आया, तो वही मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब भी आप कॉटन के इस तरह के कपड़े पहनते हो, तो आप देख सकते हो ये जो पैंट है इसमें मल्टी कलर्स हैं। तो इस टाइप के अगर आपको इयर रिंग्स मार्केट में मिलते हैं तो आपका ड्रेस बहुत उठ के दिखता है, पर हर बार हमें मैचिंग ड्रेस के इयर रिंग्स नहीं मिलते हैं। तो मुझे थोड़ा सा शौक है ज्वेलरी मेकिंग का। तो आप देख सकते हो कि इस तरह के मटेरियल्स मेरे पास काफ़ी है, और ये पूरा बैग मेरा भर के है जो भी चीज़ें मुझे लगती है स्टिचिंग के लिए या ज्वेलरी मेकिंग के लिए। तो आप देख सकते हो इसमें काफ़ी सारे मनीस हैं। इसका मैं ताजमहल बनाने वाली थी, तो ये मैंने काफ़ी सारे वाइट कलर के मनी लेके रखे थे। तो काफ़ी सारे आइटम्स मेरे पास है, अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको मैं बताती हूँ मैंने क्या किया है। मैं मार्केट से ये फेविबॉन्ड जो होता है वो लेके आई हूँ। तो फेविबॉन्ड फेविक्विक से बेटर होता है, स्पेशली आप मेटल वगैरह कुछ चिपकाना चाहते हो। तो मैंने क्या किया, ये जो उसका पुट्ठा होता है इसके छोटे छोटे कट्स बनाए। कट्स बनाने के बाद अब ये छोटा सा कट मैंने बनाया है, इसके ऊपर मैंने ये जो बीड्स है वो चिपकाए हैं। अभी ये चिपक गए हैं, अभी चिपक गए हैं, तो मैं क्या करूँगी, इसके बॉर्डर से इसको कट करूँगी। ये बॉर्डर से कट हो गए, कट होने के बाद इसे उल्टा करूँगी। अभी ये जो पेपर है ये विजिबल नहीं रहेगा, क्योंकि आपके कान को ऐसे चिपक के रहेगा तो विजिबल नहीं रहेगा, क्योंकि ये पीछे की साइड है। और ये जो ज्वेलरी मेकिंग की जो तार आती है, थोड़ा मैं क्लियर बताती हूँ आपको, ये जो है ज्वेलरी मेकिंग की तार, तो मैंने तार ली है और उसे नीचे से इस तरह से, थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, एक सेकंड, तो इसे नीचे से मैंने ऐसे थोड़ा थोड़ा राउंड कर दिया है और इस तरह से स्टैंडिंग में ये डंडी रखी है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसे ऐसा रख के, इसके ऊपर ऐसा रख के ये जो सॉल्यूशन है इससे मैं इसको चिपका लूँगी। और ये सूखने के बाद फिर ये जो इयररिंग्स है बन के तैयार हो जाएगी। ये बॉर्डर में कट कर लूँगी जो जो एक्सेस पेपर की हैं। तो आप देख सकते हो ये इयररिंग्स और ये ड्रेस पर अच्छे से मैच हो जाएंगे। तो आप अलग अलग टाइप का डिज़ाइन बना सकते हो अगर आपके पास इस तरह की बीड्स हो तो, जिस जैसा भी आपका ड्रेस का कलर है। अभी इस ड्रेस में पिंक भी है, पिंक कलर भी है, तो मैं एक दूसरे डिज़ाइन का ये पिंक कलर के बीड्स का भी बना सकती हूँ। ये मुझे पिंक बहुत अच्छा लगा है, तो पिंक कलर के बीड्स का भी मैं इयररिंग बना सकती हूँ। तो ये बस आइडिया है दोस्तों, आप अपने लिए, खुद के लिए इयररिंग्स बना के देखो, आपको बहुत खुशी मिलेगी। अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल किया करो। मेरे चैनल पर अगर नए हो तो ज़रूर ज्वाइन करें, वीडियो अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।